जो है आज प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय में हम पहुंचे हैं और उसमें बहुत कुछ बातें बताई गई हैं, विशेषकर परमेश्वर का अंतिम न्याय जिसको बोलते हैं इस पृथ्वी पर रहने वालों के लिए, जो उनका क्रोध है उसके पहले कुछ बातें वो कर रहे हैं, वो कुछ करने जा रहे हैं, उसकी कुछ घोषणा है परमेश्वर की, उसको लेकर आज का अभ्यास है। तो मेरे ख्याल से हम प्रार्थना शुरू करते हैं, फिर थोड़ा रिवाइज करेंगे और हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। आइए हम सभी मिलकर अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, दुआ में जाएंगे। जीवित परमेश्वर, हम फिर से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज आपने फिर हमें एक मौका दिया कि हम आपके वचनों का अध्ययन कर सके। परमेश्वर, इस प्रकाशित वाक्य के अभ्यास के बारे में प्रभु आपने बोला कि धन्य है वे जो इसको पढ़ते हैं, नहीं इसको प्रभु हम समझ सकते हैं परमेश्वर की इसके पीछे जो आशीष लिखी है। आप चाहते हो कि इसको पढ़ने वाले, इसको समझने वाले पा सके पिता, और हमने वो आशीष बटोरी है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आज फिर से प्रभु हम इसमें और कुछ नया सीखने जा रहे हैं, तब हम आपकी ओर देखते हैं परमेश्वर, क्योंकि सिखाने वाले आप हो प्रभु। इंसान माध्यम है परमेश्वर, पर पवित्र आत्मा और वचन है जो हमारी अगुवाई करते हैं, जो हमें परमेश्वर की बातों का वर्णन करके समझा कर हमें बताते हैं। और प्रभु पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं इस अध्ययन में, विशेषकर आप मौजूद हो, पर ये सिखाने के लिए हम आपको निमंत्रित करते हैं प्रभु। जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए उन सभी के साथ, और जो घरों में हो, चाहे ऑफिस में हो, कहीं भी हो, कोई भी कोने में, विश्व के कोई भी कोने में हो, हम मांगते हर एक के साथ परमेश्वर आपका व्यवहार होने पाए। और प्रभु आज हम सब मिलकर कुछ सीख पाए, समझ पाए प्रभु, ऐसा होने दीजिए पिता। अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमें आप उसके उत्तर की ओर ले जाए प्रभु, हमारी आज की यह दुआ है प्रभु। हर एक शैतान की युक्तियों को, बाधाओं को, और इसको समझने के अवरोध में हर एक भ्रमित बातों को, हर एक भटकाने वाली बातों को हम यीशु के बड़े पवित्र नाम में निष्फल करते हैं। और प्रभु यीशु के बड़े नाम में हम स्वतंत्रता को हर एक जगह पर सुनने वाले, हर एक व्यक्तियों के आसपास देखने वाले, हर एक विश्वासियों के आसपास हम घोषित करते पिता, ताकि हम मन लगाकर इसमें शामिल हो सके, पूरा ध्यान लगा सके, आप क्या समझाना चाहते हो वो समझ हम पा सके पिता। हम यीशु मसीह के नाम से आपके हाथों में इस समय को सौंपते हैं, आप हमारी अगुवाई करें, आपके अभिषेक को जाहिर करें। यीशु मसीह के बड़े पवित्र पाक नाम में मांगते हैं, सुने कबूल करें, आमीन। ठीक है, ट्रिब्यूलेशन विषय को लेकर हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, और रैप्चर के बारे में सीखे थे, पर उसके बाद में जो घटना, दूसरी घटना थी वो थी विपत्ति काल, क्लेश काल, नहीं? और उस क्लेश काल के दो विभाग है वो हमने सीखे थे कि विपत्ति काल और महाविपत्ति काल, या तो क्लेश काल और महाक्लेश काल। पहला हमने देखा था कि नहीं, ये 7 साल का पीरियड है, और इसकी शुरुआत कब होगी, तो कलीसिया के युग का अंत, कलीसिया के युग का अंत होगा, और उस समय में रैप्चर होगा जिसमें परमेश्वर के लोग, कलीसिया को उठा लिया जाएगा, जो परमेश्वर की कन्या जिसको बोला गया है उसको उठा लिया जाएगा। और उसके बाद के समय में, 7 साल का समय है जो विपत्ति काल और महाविपत्ति काल का समय है। शुरुआत का 3.5 साल का समय उसको हम विपत्ति काल बोलते हैं, और बाद का आखिरी 3.5 साल का समय उसको महाविपत्ति काल, या तो महाक्लेश काल, या तो इंग्लिश में बोलते हैं द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। तो उसकी ओर हम गौर करेंगे, आप स्लाइड में नजर रखिएगा कि क्या क्या हो रहा है। हमने देखा था कि पिछले समय में 7 मुहरे, नहीं, वहां से यह शुरुआत होती है, मुहरे खोली जाती है। तो कौन सी मुहरे, तो नहीं, मेमने के हाथ में पिता जो सिंहासन पर बैठे है, विराजमान है, उनके हाथों से मेमने को यह अधिकार है कि वो पुस्तक को वो ले सके, और कोई नहीं था। और वो पुस्तक वो लेते हैं जिन पर 7 मुहरें लगी हुई थी, और उसको खोलने के लायक कोई और नहीं था। और हमने सीखा था कि ये 7 मुहरें क्या बताती है, कि कुछ है जो इस पुस्तक में बंधा हुआ है, जो इस पृथ्वी का अधिकार पत्र है, मतलब
इस पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं का वर्णन है जिसमें, और वो घटनाओं की शुरुआत कौन कर सकता है? तो जिसने आकाश और पृथ्वी सब कुछ बनाया है उसी को इस पृथ्वी पर कुछ करने का अधिकार है। तो वो यीशु मसीह है जो इसके योग्य है, जो जयवंत हुआ है, वो हमने देखा था। फिर हमने उस सात मोहरों में देखा था कि पहले ही मोहर खोली जाती है तो सफेद घोड़ा आता है और उस पर एक सवार होता है, जिसके बारे में हमने सीखा था, मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट के बारे में था। उसके बाद में लाल घोड़ा आता है जो बताता है इसके रंग के मुताबिक कि वो इस पृथ्वी पर रक्तपात और युद्ध की बात बताता है ना। तीसरी मुहर खोली गई तो वहां पर काला घोड़ा आता है जो जो एक बात बताती है दुष्काल अकाल के बारे में वर्णन करती है, तो ये हमने सीखा था। चौथा घोड़ा था नहीं पीला घोड़ा जिसके बारे में था कि महामारी और मृत्यु उसके बारे में था और कैसे नहीं एक चौथाई के ऊपर अधिकार दिया गया था वहां पर ऐसा लिखा था। ट्रिब्यूलेशन बिलीवर्स ने और छठी मुहर खोली गई तो क्लेश काल के समय में जो लोग नहीं जो लोग शहीद हुए थे उनकी आत्माओं का वहां पर हमने देखा था वर्णन। और सातवीं मुहर बताती है कि क्या बताती है, क्या सीखा था? सात तुरहियों का शुरुआत सातवीं मुहर खोलने के द्वारा होती है, ये हमने सीखा था ना। तो पर ये सात साल का समय इस संसार में जो लोगों ने यीशु को अपनाया नहीं, अपना मन नहीं फिराया, उन लोगों के लिए नहीं एक एक प्रकार का प्रोग्रेसिव प्रगतिशील एक किस्म का कष्टदायी दुख है वो इस समय में। और जो बताता है कि अनंत काल तक जो नर्क की पीड़ा और दुख का जो समय होगा उसका मानो ये सात साल का पीरियड पूर्वाभास है इन लोगों के लिए नहीं कि भाई नर्क कैसी होगी नहीं, प्रभु जब आखिरी न्याय करके सबको ऐसे लोगों को डाल देगा जो प्रभु यीशु को नहीं अपनाए, नहीं परमेश्वर को नहीं समझे, स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा नहीं? तो उस ये विपत्ति काल उन लोगों के लिए है। सात तुरहियों के बारे में हमने उसके बाद में सीखा था, नहीं एक के बाद एक बहुत कुछ सीखा था उसने। और सातवीं तुरही फूके जाने के बाद हमने कुछ घटनाओं को मध्यांतर वहां पर बताया गया है, उस मध्यांतर में कुछ कैरेक्टर आते हैं और कुछ घटनाएं बताई गई है। और यहां तक का पीरियड 3.5 साल का, प्रथम 3.5 साल का समय था, है ना। अब दूसरे 3.5 साल के समय में प्रवेश होता है और उसमें सात कटोरे, ये 3.5 साल को बोलते हैं, आखिरी 3.5 साल को बोलते हैं महाविपत्ति काल, महाक्लेश काल, द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, ये 3.5 साल का समय। और उसमें परमेश्वर का न्याय, ऐसा शब्द लिखा गया, परमेश्वर का न्याय करने का समय आ पहुंचा है। तो ये परमेश्वर का पृथ्वीवासियों के लिए न्याय था नहीं कि जिन लोगों को मौके पर मौके दिए गए, परमेश्वर ने अपनी सृष्टि द्वारा सुसमाचार दिया, लोगों द्वारा दिया, बहुत कुछ किया नहीं, पर फिर भी उन्होंने वो चुना जो नहीं प्रभु यीशु नहीं पर मसीह का विरोधी था, उसको अधीन होना उन्होंने चुना, तो उनके लिए फिर यह सात कटोरे के न्याय है। तो वो हम शुरू करें, उससे पहले कुछ बातें यहाँ पर आती है, ये 15वें अध्याय से आगे है, सात कटोरे का न्याय और ये सब। पर उससे पहले एक चीज हो रही है, प्रभु ये न्याय को जाहिर करे उससे पहले परमेश्वर 14वें अध्याय की और कुछ बातों पर ध्यान खींचते हैं और उसकी ओर हम आज ध्यान ले जाएंगे प्यारो। 14वां अध्याय, ये 14वां अध्याय अगर आप आपके पास बाइबल हो तो खुला रखिए, इसमें बहुत सारी बातें बताई गई है, विशेषकर प्रोक्लेमेशन है, छह स्वर्दूत है और 7 प्रोक्लेमेशन यहाँ पर बताए गए हैं। मतलब कुछ अनाउंसमेंट कि जो आने वाले समय में होने वाला है, उन बातों का की घोषणा यहाँ पर इस 14वें अध्याय में बताई गई है, वो आज हम सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए 14वें अध्याय की शुरुआत करें तो वहां पर क्या लिखा है, मेमना और उसके साथ खड़े लोग। देखिए 14वां अध्याय आपके साथ में रखिए और आप मेरे साथ पढ़ सकते हो अपने घर में बैठे बैठे, 1 से 5 आयत हम पढ़ते हैं। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना
सीयोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 144,000 जन है। कौन है? 144,000 जन है। कहां पर मेमना खड़ा है? सीयोन पहाड़ पर, और सीयोन पहाड़ पर मेमने के साथ ये लोग खड़े हैं। अब ये लोग कौन है? तो लिखा है जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया। अब ये पहला प्रोक्लेमेशन, मतलब पहला अनाउंसमेंट यहाँ पर हो रहा है कि जब ये बात हो रही है तो ये बात घटेगी कि क्या लिखा है। स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धारा हो और बड़े गर्जन का सा शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाने, मानो ऐसा लिखा है, वो शब्द ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हैं। फिर तीसरा है, वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। क्या कर रहे? नया गीत गा रहे। कौन? तो ये 144,000 लोग। उन 144,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। अब यहां तक हम देखते हैं ये लोग कहां पर खड़े, तो सीयोन पहाड़ पर। आप स्लाइड में देख सकते हैं सीयोन पहाड़ पर खड़े। अब सीयोन पहाड़ दो है बाइबल में। हाँ, आश्चर्य होगा, सीयोन पहाड़ दो है बाइबल में। पहला है पृथ्वी का, जिसका वर्णन 125 और 1 में किया गया है भजन संहिता। लिखा है कि यहोवा पर भरोसा रखने वाले कौन है? जो यरूशलेम के आसपास जैसे पर्वत है, नहीं वैसे ही उन लोगों के आसपास है, और वो उन पहाड़ के समान है जो अटल रहते हैं और जो यरूशलेम में है। और दूसरा जो है वो स्वर्गीय सीयोन पहाड़ के बारे में वर्णन किया गया। अब आपको लगेगा भाई स्वर्गीय सीयोन पहाड़ कैसे कह सकते, तो मेरे साथ आप निकालिए रोमियो की पत्री 11वां अध्याय और 26वां अध्याय। रोमियो 11 और 26 हम पढ़ेंगे, रोमियो 11 और 26। क्या लिखा है रोमियो 11 26 में? और इसी रीति से सारा इसराइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है छुड़ाने वाला सीयोन से आएगा। क्या लिखा है? सीयोन से आएगा, मतलब कहां से आएगा? सीयोन से आएगा। अब ये जो पहाड़ है सीयोन पहाड़, और क्या लिखा है वहां पर? मेमना है, और मेमने के पास कौन खड़े? 144,000 लोग। ये सभी मेघारोहण, मतलब रैप्चर पाए हुए संत है, यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले इसी पहाड़ पर पाए गए हैं। सभी मेघारोहण पाए, मतलब रैप्चर हुए संत यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले इस पहाड़ पर यहाँ पर पाए गए हैं। विशेषकर ये जो 144,000 का रैप्चर हमने पिछली स्टडी में देखा था कि ये लोग कौन है, तो वो जो स्त्री जो जच्चा जनने वाली थी, नहीं बच्चा की पीड़ा पर थी और उसको बच्चा हुआ और उसको उसके सामने वो ड्रैगन आ जाता है, अजगर आ जाता है, और वो क्या करता है? उसको उसको खत्म करने का प्रयास है, पर लिखा है वहां पर उसको परमेश्वर के सिंहासन के पास उठा लिया गया, और वहां पर जो शब्द है कॉट अप, मतलब उठा लिया जाना। तो ये रैप्चर पाए हुए ये लोग है 144,000, वो यहां पर पहुंचे, वो हम समझ पाते हैं, समझ सकते हैं। अब ये बात हम देखें कि ये 144,000 है कौन। पिछले समय में हमने देखा था नहीं कि प्रकाशित वाक्य 7 में ये पूरा वर्णन किया गया है कि यहूदी समुदाय के 12 कुल थे, 12 गोत्र थे, और उन 12 गोत्रों में से 12,000 लोग। तो ये 12,000 लोग 12 गोत्रों को मिलाकर 144,000 होते हैं। ये कौन है? परमेश्वर का नाम जिनके ऊपर मुद्रित किया था, प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में हम पढ़ चुके थे ना, ये हमें पता है कि भाई ये क्या हुआ था। अब इसको हम खोल कर हम पढ़ना नहीं चाहेंगे अभी, पर ये प्रकाशित वाक्य 7 में हम सीख चुके हैं। पर जब हम यहाँ 14वें अध्याय में 4 और 5 आयत पढ़ते हैं, देखो 4 और 5वीं आयत क्या लिखा है, ये वे है 144,000 जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए हैं। दे डू नॉट हैव सेक्स विथ वुमेन्स, यहाँ ऐसा लिखा है कि ये लोग स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए हैं, मतलब समझ सकते कि ये कुंवारे हैं, ऐसा बोला जा सकता है। पर लिखा है, और यहाँ पर लिखा है कुंवारे है दूसरा शब्द,
ये वे ही है कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। और लिखा है उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष है। अब जब ये चौथी पांचवी आयत हम पढ़ते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेमने के पीछे चलने वाले लोग तो कलीसिया है, फिर ये लोग तो कलीसिया हो सकता है। पर प्यारो ये कलीसिया नहीं है, ये हम साबित कर चुके हैं, हम सीख चुके प्रभु के वचनों से, सॉरी मुझे माफ कीजिए, साबित नहीं पर ये सीख चुके हैं कि ये लोग और कोई नहीं पर इज़राइलाइट्स है, यहूदी गोत्र के 12,000 लोग हैं। ये हम कैसे बोल सकते हैं, इसकी कुछ बातें हम यहाँ पर देखेंगे। 12वां अध्याय आप निकालें, 4-5 आयत, उसमें हमने देखा था कि वो स्त्री के पास वो जो बच्चा होता है उसको स्वर्ग में उठा लिया जाता है जब अजगर रेड ड्रैगन उसको खाने आता है। अब यहाँ पर जो 144,000 है, कुछ लोगों का यह दावा है। अब जो लोग मानते हैं कि ये कलीसिया है तो यहाँ पर ये कलीसिया नहीं है, हम कैसे बता सकते। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये 144,000 दूसरे लोगों से ज्यादा पवित्र है, इनकी पवित्रता में कुछ लेवल बहुत ऊपर है, मानो ऐसा है कुछ, और इसलिए ये सौभाग्य इनको मिला है कि भाई एक अलग समुदाय 144,000 का। पर यहां पर एक आयत हमें पढ़ने की बहुत आवश्यकता है इस बात को समझने के लिए, इब्रानी 12वां अध्याय और 22-24 आयत। देखिए कलीसिया के लिए क्या लिखा है, इन लोगों को जो लोग ये समझते कि ये बहुत पवित्र है इसलिए उनको ये सौभाग्य मिला है। पर यहां सीखने की जरूरत है कि वचन क्या कहता है। इब्रानी 12वां अध्याय 22-24 आयत पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है पर तुम, ये कौन है तुम, विश्वासी लोग, सियोन पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास। अब देखो स्वर्गीय यरूशलेम, पृथ्वी के यरूशलेम में सियोन पहाड़ है, अब स्वर्गीय यरूशलेम में सियोन पहाड़ है। अब यहां पर लिखा है स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोठों की साधारण सभा और कलीसिया। क्या लिखा है, और कलीसिया शब्द लिखा है, इस कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास, और शब्द लिखे, देखिए क्या लिखा है, सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। अब सिद्ध किए हुए धर्मी कौन है, परफेक्टेड राइचियस पर्संस, ऐसा लिखा है परफेक्टेड राइचियस पर्संस, नहीं तो ये सिद्ध किए हुए धर्मी लोग कौन है, यीशु के लहू के बगैर कोई भी धर्मी नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान के कार्यों से वो अपनी धार्मिकता पेश करता है जिसमें कोई भी रूप से व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं कर सकता है। पर प्रभु ये चाहता था कि वो खड़ा रह पाए, इसलिए प्रभु ने उनकी धार्मिकता को उन लोगों को दिया जो यीशु मसीह को अपनाते हैं, है ना। तो यीशु मसीह को अपनाने वालों को जो धार्मिकता मिली वो बिना कोई कीमत चुकाए, बिना कोई परफॉर्मेंस बताए, नहीं बिना कोई भी परफॉर्मेंस जारी किए, उनको वह धार्मिकता मुफ्त में दी गई। हालेलुया। इसलिए पौलुस भी बोलते हैं मैं यीशु पर विश्वास करने से जो धार्मिकता होती है वो मेरी हो जाए, वो मेरी हो, नहीं वो ये बताता है प्यारा। वो अपनी धार्मिकता को आगे रख सकता है पर पता है उस धार्मिकता से वो प्रभु के सामने खड़ा नहीं रह सकता है। इसलिए पौलुस बोलता है कि विश्वास यीशु मसीह पर विश्वास करने से जो धार्मिकता मिलती है वो, और वो धार्मिकता से हम परमेश्वर के द्वारा स्वीकार जा सकते हैं, हम एक्सेप्टेबल है। तो प्यारो ये वो लोग हैं जो प्रभु यीशु के लहू से धर्मी ठहरे हुए लोग हैं, अपने कार्यों से धर्मी नहीं ठहरे हैं। उन आत्माओं के पास और नई वाचक के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। तो यहां पर वो बात निष्फल हो जाती है कि ये बहुत ज्यादा पवित्र लोगों की बात की गई है, नहीं ये लोग वो ही है जो 124,000 यहूदी गोत्र के लोग हैं, नहीं
उसमें से जो आए वो लोग हैं। अब प्यारो इसको इसके पीछे इतने सारे लोगों ने अपना अपनी किताबें बना ली है, इतने सारे टाइम वेस्ट कर लिया कि ना पूछो बात, इस 144,000 को जानने के लिए। पता है आपको इन लोगों की एक दूसरी कलीसिया खड़ी हो गई इन दिनों में नहीं, लगभग मेरे ख्याल से 90 से 100 साल पहले 144,000 संत ऐसी कलीसिया इनकी खड़ी हो गई। आप सोचो, और वो लोग क्या बोलते हैं कि ये लोग तो वर्जिन है, मतलब कुंवारे है। अब ये कुंवारे शब्द जो है वर्जिन, वो शब्द वर्जिन शब्द कुंवारी स्त्रियों के बारे में लिखा गया है। अब ये लोग बोलते हैं कि ये जो लोग है ये बताते कि ये कुछ पास्टरों का गण है, कुछ पास्टर लोग ही है। कुछ दूसरा व्यू ऐसा भी है कि कुछ पास्टर लोग है, वो 144,000 पास्टर है, पर ये वो भी नहीं है। यहाँ पर माथों पर लगी छाप बहुत साफ कर देती है कि ये कौन है। देखो, आपको पता है कि नई वाचा के सारे विश्वासियों के ऊपर भी छाप लगती है, पर वो छाप कहाँ लगती है? वचन के आधार पर, उनके हृदय पर। और वो छाप कौन लगाते हैं? स्वर्गदूत नहीं, पर पवित्र आत्मा। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों पर मुहर लगती है, छाप लगती है, और वो छाप कोई स्वर्गदूत आकर नहीं लगाता, पर वो छाप पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा आना वो खुद एक मुहर है ना, वो खुद एक सील है विश्वासी के लिए जो परमेश्वर करता है। दूसरा कुरिन्थी 1:22 में ये बात लिखी है, इफिसियो 1:13-14 में ये बात लिखी है कि उस सुसमाचार को सुनने के द्वारा, नहीं अपन पढ़ लेते इफिसियो 1:13-14, मैं पढ़ता हूं आपके लिए, लिखा है, और उसी में तुम पर भी हम पर भी, जब तुमने मतलब जब हमने सत्य का वचन सुना, जो मतलब जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, और जिस पर तुमने विश्वास किया, उस पर हमने विश्वास किया, क्या हुआ? प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया, पवित्र आत्मा की छाप लगी। और वो अब यहां ये विश्वासी लोगों की बात है, उनकी छाप पवित्र आत्मा उन पर लगाता है, उनके हृदयों पर। पर यहां पर इनके ऊपर छाप कहां लगी है? आपने पढ़ा ना बाइबल में, इनके ऊपर छाप लगी है उनके सिरों के ऊपर। और वहां पर क्या लिखा है? वो छाप किसने लगाई है? हाँ, स्वर्गदूत ने आकर लगाई है वो छाप, है ना। अगर आप चाहो तो वो अध्याय आप पढ़ सकते हो। सातवें अध्याय में ये बात बताई गई है, मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। दूसरी आयत से सातवां अध्याय दूसरी आयत। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने 4 स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया था ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मैं दोहराता हूं माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। फिर लिखा है चौथी आयत, अब मुहर लग चुकी है चौथे, जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इसराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 144,000 पर मुहर दी गई, फिर 12 गोत्रों के नाम उसमें से 12,000, ऐसे करके लिखा है। तो प्यारो ये साफ है कि ये वही है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि भाई ये कलम तो बताती कि भाई ये तो कलीसिया का वर्णन कर रही है, पर कलीसिया नहीं है ये। नई वाचा के विश्वासियों की संख्या, अब दूसरी एक बात, नई वाचा के विश्वासियों की संख्या का कहीं भी बाइबल में जिक्र किया गया नहीं है। देखो जिक्र है तो क्या जिक्र किया? रोमियो 11:25 आप निकाले, रोमियो 11:25 क्या लिखा है? हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। अन्य जातियां पूरी रीति से, मतलब वो संख्या परमेश्वर के हाथ में, वो पता परमेश्वर को,
क्योंकि परमेश्वर शुरुआत है और अंत है, इसलिए उसको ये सब बात पता है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। तो ये संख्या है, पर यहाँ कहीं भी कोई संख्या का जिक्र नहीं किया है कि नई वाचा के तहत कलीसिया के जो विश्वासी है उनकी संख्या कितनी होगी, नहीं। तो यहाँ पर संख्या बताई है तो साफ है, ये साफ हो जाता है कि ये कलीसिया की नहीं पर 144,000 लोगों की ही बात है। वर्जिन्स जो शब्द लिखा है वहां पर कुंवारिया, अब लगभग मैंने बताया था नहीं कि 90 से 100 साल पहले एक पुराना एक कल्ट हो गया, जो लोगों ने उस कल्ट में मतलब दूर मत शुरू हुआ 144,000 संत, और आज भी वो चल रहा है। आप मेरे ख्याल मेरे साथ पहला तीमुथियस 4:1-4 आयत पढ़े, देखिए इसके बारे में भी प्रभु ने पहले से बोल दिया। पहला तीमुथी 4:1-4 क्या लिखा है, परंतु पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा हो। देखो आने वाले समय में क्या होगा, कुछ लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर, इन दो शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, और लिखा है जो विवाह करने से रोकेंगे। और आगे नहीं, साफ हो गया यह कुंवार है, मतलब ये जो कल्ट है, ये जो दुर्मत आज चल रहा है 144,000 संत, उन लोगों में ऐसा बताया जा रहा है कि आपको शादी नहीं करनी है क्योंकि नहीं तो आपको प्रभु नहीं लेगा। यारो कहां पर बाइबल में ऐसा बताया गया है, परमेश्वर तो नहीं मैरिज नहीं ये कवनेंट इस वाचा को स्थापित करने वाला परमेश्वर है। और प्यारो ये कुछ भी जो भी आया, किसी ने कुछ बता लिया और विश्वास कर लिया, दूसरों के मतों पर अपने विश्वास को कभी भी स्थाई कभी मत करना प्यारो। बाइबल पढ़िए, उसमें जांचिए परखिए, पन्ने पलटिए, समझ में नहीं आता है पहला दूसरा तीसरा, शुरू से पलटते रहिए प्यारो, कहीं ना कहीं आपको लिंक मिलेगी, कड़ी मिल जाएगी जो जो जिसकी कमी है प्यारो। साफ लिखा है कि ये लोग शादी करने से, मतलब यह लिखा है नहीं कि विवाह करने से रोकेंगे, साफ बताता है प्यारो कि ये अंत के समय चल रहा है और ऐसा चल रहा है प्यारो। और लिखा है कि दुल यहां पर लिखा है मेमना के साथ पीछे चलते, यहाँ एक शब्द लिखा है जहां कहीं मेमना जाता है, चौथी पांचवी आ चौदवी अध्याय, वे उसके पीछे हो लेते हैं, मतलब मेमना आगे जाता है ये पीछे जाता है। अब बहुत समझने वाली बात है, दुल्हा आगे जाता है और दुल्हन पीछे चलती है, ऐसा कभी नहीं होता है, दुल्हन उसके साथ होती है ना, पीछे नहीं। तो ये बात ये सब काफी है कि ये 144,000 कौन है, ये कलीसिया नहीं पर यहूदी गोत्रों में से बचाए हुए वो ही लोग हैं, तो ये साफ है ना। अब दूसरा हम आगे जाते हैं, वैसे जैसे मैंने पहले बोला कि ये 14वां अध्याय घोषणाओं का अध्याय है, बहुत सारी घोषणाएं इसमें होती है और इसमें 6 महान घोषणा है, और उसमें ये पहली घोषणा हम देखेंगे परमेश्वर, ये घोषणा का मतलब है परमेश्वर कुछ करने जा रहे, उससे पहले कुछ बता रहे पृथ्वीवासियों को, कुछ बोलने जा रहे कि भाई ये होने वाला, ये हो रहा है, अब क्या है तो हम ये देखते। 6 आयत, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। सनातन शब्द के लिए इंग्लिश में जो वर्ड है वो है इटर्नल, अंत अनंत। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। अब यह समय महाक्लेश काल है, द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन नहीं। अब यहां लिखा है उसके न्याय करने का समय, तो अभी तक हमने क्या देखा नहीं, ये परमेश्वर का क्रोध है, ये सब है, पर अब ये बहुत परफेक्टली, बहुत परमेश्वर की जल जलाहट जिसको बोलते हैं हिंदी में,
वो जाहिर करने का समय आ गया है। पर फिर भी परमेश्वर का स्वभाव रहा है प्यारो पहले से, वो बिना बोले कुछ नहीं करते हैं। उन्होंने हमेशा इस संसार में जब भी किसी ने कोई लोगों का अधपतन हुआ, उनका नैतिक अधपतन हुआ, तब परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए किसी ना किसी को भेजा। मान लो हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि निनवे को प्रभु ने नाश करने का सोचा, और इसके लिए प्रभु ने किसको चुना? सीधा नाश नहीं कर दिया प्रभु ने, पर क्या किया परमेश्वर ने? योना को चुना, और वो लोग बच गए क्योंकि उन्होंने विश्वास कर लिया है ना। तो परमेश्वर ने ऐसे ही जब सदोम और अमोरा का जब नाश करने वाले थे, तो प्रभु ने बोला कि मैं अब्राहम को बताऊंगा, मैं इससे क्यों छुपाऊं। और अब्राहम ने क्या बोला कि परमेश्वर तो न्यायी और अन्यायी इसका फर्क करेगा ही नहीं। अगर रैप्चर में कलीसिया इस संसार में रहने वाली है, तो फिर धर्मी ठहरने की बात कहां रही? अगर तो यीशु को आने की जरूरत ही ना रही फिर तो, क्योंकि यीशु को आने के बाद उस पर बलि, उनके बलिदान पर विश्वास करने के बाद ही तो लोग धर्मी ठहरने वाले थे। मतलब न्यायी और अन्यायी नहीं, इन दोनों को प्रभु ने हमेशा अलग रखा है। आप देखो, प्रभु ने हमेशा इन दोनों को अलग समझा है, एक नहीं समझा है। और ये प्रकाशित वाक्यों में हमेशा आप देखोगे पृथ्वी वासियों, जब पृथ्वी पर रहने वालों, तो ये सब शब्द क्या बताता है? जो लोग इस संसार में है क्लेश काल के समय में और महाक्लेश काल के समय, उन लोगों के बारे में। तो रैप्चर पहले ही है, अगर हो सका तो इसके बारे में हम एक दूसरा एक अभ्यास है, रैप्चर वर्सेस सेकंड कमिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग सेकंड कमिंग, दूसरे आगमन और रैप्चर, इन दोनों को एक समझ बैठते, तो उसके तफावत को समझाने के लिए एक अलग अभ्यास हम ये सब पूरा होने के बाद हम करेंगे। बहुत सारी बातें वचन में बताई गई हैं कि रैप्चर यहीं पर होगा, पहले होगा इससे पहले, क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है। देखिए यहाँ पर भी प्रभु कुछ बता रहे हैं, कुछ करे उससे पहले, कुछ करने जाए उससे पहले प्रभु कुछ बता रहे हैं, कुछ घोषणा कर रहे हैं। और परमेश्वर ने हमेशा न्याय को जाहिर करने के लिए, आप पुराने नियम में देखो तो स्वर्गदूतों को भेजा था न्याय को जाहिर करने के लिए। यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि न्याय जाहिर हो उससे पहले ये बात हो रही है, और वो भी स्वर्गदूत को भेजकर ये बात बताई है। यहाँ पर एक स्वर्गदूत है जो आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा है ना, और उसके पास है इटर्नल मतलब अनंत सुसमाचार। ये क्या है? दुष्ट लोगों के ऊपर ईश्वरीय न्याय की एक किस्म की घोषणा है, क्योंकि साफ लिखा है क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। इसलिए साफ लिखा है कि परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। जब हमने पांचवी और छठी तुरही का न्याय देखा था, उसमें कितनी भयानक वो टिड्डियों वाला और बिच्छुओं वाली बातें, नहीं तो ये सब बातें जब हमने देखी, तो वहां इतनी भारी पीड़ाएं लोगों को हुई है। तो ये सब देखने के बावजूद भी वहां लिखा है कि उन लोगों ने मन नहीं फिराया, और हमने सीखा था नहीं कि दंड देने से मन फिराया नहीं जाएगा, पर अनुग्रह के सुसमाचार से और परमेश्वर के प्रेम से ही इंसान परमेश्वर की ओर फिर सकता है, जो प्रभु ने ऑलरेडी जाहिर कर दिया है, जो स्वीकारेगा वो मन फिराएगा। और यहाँ पर ये बात, इन्होंने मन नहीं फिराया है, 3.5 साल तक बहुत कुछ हुआ है, फिर भी उन लोगों ने अपनी ही मनमानी की है। और उन लोगों के लिए यहाँ पर आखिर में परमेश्वर लिखा है कि न्याय करने का समय आ पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि अब न्याय शुरू कर दिया है, पर न्याय का समय आ गया है, इसलिए लिखा है उसकी महिमा करो, उससे डरो, उसके कि उसका न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो, उसकी भक्ति करो, उसका आराधना करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। देखो, आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जल के सोते, ये चार मूल बातें जब भी आप देखो दुनिया में जाओ, तो इसमें से आपको हमेशा परमेश्वर के बारे में कुछ ना कुछ पता चलेगा। यह अचानक नहीं बन बैठा है, ये किसी ने बनाया है, और ये जिसने बनाया है उसकी आराधना होनी चाहिए, न कि इन सब की, न कि आकाश की, न कि पृथ्वी की। क्योंकि आज इस संसार में क्या हो रहा है, पृथ्वी की लोग भक्ति करते हैं, नाम अलग अलग दिए, पृथ्वी का अलग नाम है, संस्कृत नाम मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो सबको ध्यान में आ जाए कि ये किसका नाम है। आकाश की,
समुद्र की, जल के सोते, नहीं आज लोग जल के सोतों की, उन नदियां जिसके द्वारा परमेश्वर लोगों को आशीष दे रहे, उनके उनकी पानी की जरूरत पूरी कर रही है, नहीं तो उसकी पूजा करने लगे। पर परमेश्वर क्या, वचन क्या सिखाता है हमें, इन सब का बनाने वाला भजन के योग्य है, मतलब सृष्टि कर्ता भजन के योग्य है, सृष्टि नहीं। तो हमेशा ये बात हमें सीखनी है कि सृष्टि की, मनुष्य भी परमेश्वर की सृष्टि। देखिए आज लोग मनुष्य की भी भक्ति करने लगते हैं, मनुष्य के अंदर कुछ अच्छा दिखने लगा, मनुष्य की कुछ ज्ञानी बातें उनको अच्छी लग, तो उसकी भक्ति, अरे ये बहुत अद्भुत है, बहुत जोरदार है, ये वो है वो है, उसके पीछे दौड़ने लगते हैं लोग, नहीं। और अंत के समय में ये लोग रह जाने वाले ऐसे लोग, जिनको मनुष्य के पीछे चलने की आदत है ना, सच में ऐसे लोग रह जाएंगे, क्योंकि लिखा है कि एक एक को लिया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा, है ना। तो ये बात है प्यारो, ये दंड की घोषणा है। हो सकता है सुसमाचार का बड़ी मात्रा में फैलाव नहीं यहाँ पर हो, बहुत सारे लोगों का बोलना है कि टेक्नोलॉजी का बड़ी मात्रा में प्रयोग उपयोग इन समयों में किया जाएगा, क्योंकि जो क्लेश काल के जो संत होंगे विश्वास में आए हुए, वो लोग सुसमाचार किए बगैर रहेंगे नहीं, और वो कोई ना कोई माध्यम से नहीं, सैटेलाइट माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से सुसमाचार वहां पर फैलाते रहेंगे, और ये बात चलेगी। अब यहाँ पर बहुत बड़ी गलती बहुत सारे लोग करते हैं, आपने सुना होगा कि भाई प्रभु का आना तो अभी बहुत दूर है, क्योंकि अभी सुसमाचार जाति जातियों में नहीं पहुंचे। देखिए मेरे साथ मत्थी 24 और 14 आप निकाल कर पढ़े, मत्थी 24 और 14। आपने बहुत सारे लोगों को सुना है, अरे अभी तो प्रभु का आना बहुत बाकी है, अभी तो पूरे जगत में प्रचार होगा तब जाके ये सब होगा। पर ये क्या है, देखिए मत्थी 24 और 14 क्या बोलती है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अंत आ जाएगा, अंत मतलब नहीं, एंड ऑफ द एज, इस युग का अंत की बात है, इस युग का अंत होगा, उसके बाद में दूसरा युग होगा मिलेनियम, सहस्त्राब्दी वर्ष, मतलब 1000 साल का युग की बात होगी, परमेश्वर के शासन काल की बात होगी, जिसमें पृथ्वी पर परमेश्वर और उसके पीछे चलने वाले सभी संत, पुराने और नए नियम के सभी संत मिलकर यहाँ पर राज करने वाले हैं प्यारो, ये सब बातें हैं वहां पर। तो वो युग शुरू हो, उससे पहले एक युग का अंत होना बहुत जरूरी है, और वो युग का अंत है, ये समय की बात है नहीं। तो ये लिखा है कि वो राज्य का सुसमाचार, मतलब वो दूसरा राज्य जो परमेश्वर का राज्य, जिसमें हम परमेश्वर की सिखाई हुई प्रार्थना में बोलते हैं, हे स्वर्गीय पिता तेरा राज्य आए, ये वो राज्य की बात है, उस राज्य का सुसमाचार। आपको पता हो तो यीशु मसीह ने जब सेवकाई शुरू की तो उन्होंने ये भी यही बात बोली, मत्थी 9:35 में आप पढ़ सकते हो, और मत्थी 3:2 में यूहन्ना 32 ने भी यही बात बोली कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उन्होंने राज्य का सुसमाचार सुनाया, और यीशु के जाने के बाद कलीसियां जब अस्तित्व में आई तो उसको जो सुसमाचार सुनाया गया, और वो जो सुसमाचार आपने और मैंने सुना वो राज्य का नहीं, पर वो अनुग्रह का सुसमाचार, वो अनुग्रह का सुसमाचार है। यहां पर लिखा है राज्य का सुसमाचार नहीं, अब ये राज्य का सुसमाचार परमेश्वर के 1000 साल के राज्य की बात है, यहाँ पर वो बात यहाँ पर बोली जा रही है ना, वो बात यहाँ पर बताई है मत्थी 24 और 14 में कि यह बात, क्योंकि अब परमेश्वर पर विश्वास करने से तुम इस यहां तक, अब रैप्चर में शामिल नहीं हो, पर अब आने वाले समय में तुम बच सकते हो, बड़े न्याय से भी बच सकते हो नहीं। तो ये बात है यहाँ पर कि परमेश्वर का सनातन सुसमाचार, जिसके बारे में यशाया नबी की किताब 9:6-7 में लिखा है, इसाया 9:6-7 में लिखा है कि उसके राज्य का अंत न होगा, युगानुयुग रहेगा, ऐसा लिखा है, उसके राज्य का अंत न होगा।
तो ये परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार की बात है। तो प्यारो भ्रम में मत रहिए, अभी तो सुसमाचार बहुत फैलेगा, तब प्रभु आ जाएंगे जाति जाति में, देश देश में फैल जाएगा, तब प्रभु आएंगे, रैप्चर होगा, अरे खा पी लो, मौज मजे कर लो, अपनी मनमानी से जी लो। नहीं प्यारो, ये वो समय की बात है, ये राज्य के सुसमाचार की बात है। अनुग्रह का सुसमाचार तो अभी है, जिसका जो बताता है कि मुफ्त में तुम परमेश्वर के परिवार में जुड़ सकते हो, परमेश्वर के संतान बन सकते हो, क्योंकि कीमत चुका दी गई है आपको। ये राज्य परमेश्वर के परिवार में आप बिना कोई कीमत अदा किए आप शामिल हो सकते हो। तो यह अनुग्रह का सुसमाचार है जो हमें बताया गया, जिस पर हमने विश्वास किया और जिस पर विश्वास करके हम कलीसिया बने, है ना। तो पर यहां पर राज्य का सुसमाचार जिसका वर्णन यहां पर किया जाएगा महाविपत्ति काल के समय में। प्यारो, हमेशा न्याय और दंड आने से पहले फिर एक बार परमेश्वर, क्योंकि बहुत दयालु है प्यारो, उसको मरने वाले की मौत से कभी भी दुख नहीं होता, कभी भी खुश नहीं होता है, वो खुशी नहीं होती, वो दुखी ही होता है। और इसलिए हमेशा वो अपनी वार्निंग देता है, चेतावनी देता है, एक और मौका देता है प्यारो। और यहाँ पर एक और मौका दिया गया, ये सनातन सुसमाचार ये बात है प्यारो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वह स्वर्गदूत का वर्णन किया गया है और प्रभु यीशु जल्दी आ रहा है, वो रैप्चर के लिए भी है। अब यहाँ पर यीशु जल्दी आ रहा है, वो उस युग के अंत की बात है, नहीं अंतिम युग का अंत की बात है ये। तो ये पहली घोषणा थी, है ना, सनातन सुसमाचार। अब दूसरी जो घोषणा है, 14वां अध्याय और 8वीं आयत आप निकाले, बेबीलोन के पतन की घोषणा, प्रोक्लेमेशन अबाउट बेबीलोन, नहीं उसके पतन की घोषणा। 8वीं आयत यह बोलती है, फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया कि गिर पड़ा, वह बड़ा बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। मेरे ख्याल से जब यह अध्ययन शुरू किया गया ऑनलाइन, कोई व्यक्ति ने यह प्रश्न पूछा था कि भाई ये बेबीलोन कौन है, नहीं तो ये इसके बारे में पूरा ब्यौरा यहाँ पर हमें मिलेगा। उस समय हमने बोला था कि भाई ये पूरी डिटेल में आपको बताया जाएगा कि बेबीलोन क्या है। अब देखिए, बेबीलोन का पतन होने वाला है, यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि बेबीलोन का पतन हो गया। 14वां अध्याय में जो घोषणाएं हुई है वो घोषणा है, कुछ हो नहीं गया है, क्योंकि अब वो सब होने वाला है, नहीं कटोरे उंडे ले जाएंगे और ये सब होगा। पर ये सब घोषणा बोलनी बहुत जरूरी है पहले, क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है प्यारो। देखिए क्या लिखा है, बेबीलोन के पतन की घोषणा। अब बेबीलोन के पतन के बारे में, बेबीलोन के बारे में प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ोगे तो 6 बार इसका वर्णन किया गया प्रकाशित वाक्य में। अब 6 अंक, न्यूमेरिकल अंक 6 क्या बताता है पता है, शैतान का यह अंक है तरह 6, अधूरा नहीं। 7 अंक संपूर्णता बताता है, जो परमेश्वर का अंक है, पर 6 रिप्रेजेंट करता है अधूरी बात, अधूरापन, और या तो शैतान की बात नहीं। 666 आपको पता हो तो, मतलब ये कुछ उसके साथ जुड़ी हुई बात है बेबीलोन। अब आप बेबीलोन को जब देख रहे हो तो उसके भूतकाल की ओर गौर करें आप। उत्पत्ति की किताब निकाले 10वां 11वें अध्याय में आप निकाले, देखिए बेबीलोन कहां से आया। अगर ये देख लेंगे तो ये समझना बहुत ही आसान होगा। आप अगर उत्पत्ति के शुरुआत के 11 अध्याय का वर्णन देखोगे तो बिल्कुल उसका ऑर्डर, उसका क्रम आपको प्रकाशित वाक्य के साथ मिलता जुलता दिखाई देगा, बिल्कुल मिलता जुलता है उत्पत्ति की 1 से 11 अध्याय और ये बात। अब इसकी ओर हम ज्यादा नहीं देखना चाहते, पर यहां पर 10वें अध्याय में, उत्पत्ति 10वां अध्याय और 11वें अध्याय पढ़ते हैं। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए।
शिनार देश में। ये क्या है पता है? शिनार देश ये मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक की बात कर सकते हैं हम, मेसोपोटामिया उसकी बात है। लेकिन उसमें बस गए, तब वे आपस में कहने लगे आओ हम ईंटें बना ले। अब देखो यहां पर प्रभु प्रभु की योजना क्या है, प्रभु की आशीष क्या थी मनुष्य को बनाकर, कि फूलो फलो और बढ़ते जाओ, फैलते जाओ, पृथ्वी को भरपूर करो, पृथ्वी पर भरपूर, पृथ्वी भरपूर कैसे होगी, फैलते जाओ। मतलब प्रभु कोई एक जगह पर सीमित रहने की बात वहां पर नहीं की थी, वहां पर फैलने की बात थी। पर ये लोग परमेश्वर की उस बात को उल्टा रहे यहाँ पर ये लोग, और ये लोग क्या कर रहे हैं, तब वे आपस में कहने लगे, उत्पत्ति 11 जेनेसिस 11:3, आओ हम ईंटें बना ले, बना बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक और गुम्मट बना ले, देखो जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। देखिए हम अपना नाम करें, यह सब बात लूसीफर के द्वारा, मतलब आप देखो लूसीफर के मन में जो बात भ्रष्टता आई वही बात वो यहाँ पर दाखिल कर रहा है कि प्रभु की योजना पृथ्वी को भरपूर करने की या तो उस तरीके से न हो, ये कुछ उल्टा ही जा रहे हैं। और लिखा है इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ये नहीं चाहते थे कि सारी पृथ्वी पर फैल जाए, ये चाहते थे कहीं एक जगह बस कर ही हम अपने नाम को ऊंचा करें, ऊंचा करें, ऊंचा करें। हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हम ही ऐसा नाम कर दे वहां पर। हाँ, ये लोग ऐसे थे। जब लोग नगर और गुम्मट बना ले, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। प्रभु सब देख रहे थे, और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। नहीं, मतलब ये सब सफल हो जाएंगे, ऐसे ही चलता रहा तो ये बढ़ते जाएंगे। और लिखा है इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, जिसका मतलब है गड़बड़ी, जिसका मतलब है गड़बड़ी। अब स्पिरिट ऑफ बेबीलोन, नहीं बेबीलोन की आत्मा, ये क्या है? आप अब ये देखिए, ये ही सिस्टम, ये पूरा सिस्टम उठा लो और आप क्लेश काल के समय में इस सिस्टम को दाखिल कर दो। यहां क्या लिखा है, कहीं फैलने की जरूरत नहीं, सब एक हो जाना है ना, सब एक होकर एक जगह से ही फैले, मतलब वन वर्ल्ड वन रिलीजन, एक ही करेंसी, एक ही भाषा, ये सब कुछ था उनके पास। पर प्रभु ने उनको क्या किया, बिखेर दिया। प्यारो, बेबीलोन नूह के बाहर के दिनों के बाद से शैतानी गतिविधियों का केंद्र रहा है हमेशा, यह शैतानी गतिविधियों का केंद्र रहा, और यह एक गतिविधि जिसकी वजह से इसका नाम बेबीलोन पड़ा, यह हम देख सकते हैं। बेबीलोन का इतिहास चेक करो तो वो अपनी मूर्ति पूजा के लिए बहुत फेमस था, बहुत फेमस नहीं बोल सकते, कुख्यात था, नहीं बहुत ही कुख्यात था अपनी मूर्ति पूजा के लिए, ईश्वर निंदा के लिए, और सेक्सुअल इमोरालिटी, अनैतिकता के लिए बहुत कुख्यात बना रहा बेबीलोन। परमेश्वर के खिलाफ अहंकार और विद्रोह का यह स्थान रहा हमेशा से। आप देखो तो यहीं पर से दूसरा एक राजा जिसके बारे में बताया गया वर्णन मध्य में, बाइबल के मध्य में, और वो है नबूखदनेस्सर राजा, नहीं जिसने अपनी ही मूर्ति बनवाई, नहीं और उसकी पूजा करवाने के लिए सबको आदेश जारी किया था। परमेश्वर के, आपने देखा कि वो कितना घमंडी था, पर उसके घमंड को परमेश्वर ने चकनाचूर कर दिया, और आखिर में वो नबूखदनेस्सर राजा परमेश्वर का दास बन गया। परमेश्वर के खिलाफ पहला मनुष्य जो विद्रोही था वो निम्रोद, यहाँ पर ये निम्रोद राजा की बात है, जिसके द्वारा ये गड़बड़ी शुरू हुई, जिसके द्वारा शिनार देश का वो अगवा था इन सारी शैतानिक गतिविधियों का। तो यह पहला विद्रोही था जिसने परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में विद्रोह खड़ा किया, और वैसे ही उसी प्रकार से अंतिम समय में, मतलब ये वो समय जो क्लेश काल की बात है,
अंतिम विद्रोही खड़ा होगा, और वो अंतिम विद्रोही कौन है? एंटीक्राइस्ट। हाँ, जैसे वो जिसने सबको एक करके परमेश्वर बनना चाहा, परमेश्वर के समान बन जाना चाहा, सबसे ऊंचा बन जाना चाहा लोगों ने, वैसे ही यहां पर कुछ हो रहा है, वैसी ही घटना यहां पर है। वहां पर भी प्रभु ने खात्मा किया था, उनकी योजनाओं को निरर्थक कर दिया था, व्यर्थ कर दिया था, यहां पर भी प्रभु उनकी योजना को व्यर्थ करेगा। अब दूसरी बात, बेबीलोन की जब बात आती है तो यह एक झूठी कलीसिया या तो झूठे धार्मिकवाद की भी बात आ जाती है, ये बेबीलोन में ये भी शामिल है, क्योंकि उन दिनों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मसीह की सामर्थ का अंगीकार नहीं करते होंगे, वो लोग छोड़ दिए जाएंगे और वो अपना बचाव, अपना डिफेंस उस तरीके से करेंगे, नहीं कि भाई नहीं, हम तो, हमको तो इसमें से जाना ही है, गुजरना ही है, हम तो यही है। और वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एंटीक्राइस्ट अपने साथ जोड़ेगा, और उस समय में एक ऐसा वन वर्ल्ड रिलीजन, जिसको बोलते फॉल्स रिलीजन, जिसमें परमेश्वर मौजूद है ही नहीं, जहां जहां जिंदा और सच्चा परमेश्वर नहीं है, वहां पर कभी भी नहीं ट्रू रिलीजन स्थापित नहीं हो सकता है प्यारो। जिंदा और सच्चा परमेश्वर ही सच्ची बात इंसानों को प्रदान कर सकता है, यहाँ पर फॉल्स रिलीजन, क्योंकि झूठा भविष्यवक्ता और एंटीक्राइस्ट मिलकर वहां पर ये बात करेंगे। ये एक वर्ल्ड रिलीजियस सिस्टम की बात है, जब बेबीलोन की बात आती है, वर्ल्ड रिलीजियस सिस्टम, मैंस परफेक्ट सोसाइटी, परफेक्ट सोसाइटी बट विदाउट गॉड, परमेश्वर के बगैर की इंसानी समुदाय की बात है ये, और ये मानव धर्म निरपेक्षता का प्रतीक होगी, नहीं सर्वधर्म समभाव, वो समय में इतना ऊपर उठ जाएगा कि लगेगा कि हाँ चलो अब तो सब एक ही है, अब ख्रिस्त विरोधी जो है वो अच्छा ही है, उसको ही मान लो, और उस समय में लोग उसके पीछे नहीं परमेश्वर के समान उसकी पूजा अर्चना करेंगे। एन अटेम्प्ट ऑफ यूनिटी विदाउट गॉड टू क्रिएट परफेक्ट सोसाइटी, नहीं हमेशा कभी भी ऐसे प्रयास रहे हैं कि परमेश्वर के बगैर कोई भी यूनिटी खड़ी हुई है, परफेक्ट सोसाइटी, परफेक्ट समुदाय खड़ा करने की, जैसे यहाँ बेबीलोन के शुरुआत में हुआ शिनार देश में, नहीं तो वो कभी भी टिका नहीं है, उसको गिर ही जाना पड़ा है, और ऐसी यूनिटी कभी नहीं टिकती है, ऐसी यूनिटी हमेशा टूट जाती है। यहाँ पर यह जो साम्राज्य है, द स्टेट विद वन सुप्रीम रूलर, उसका साम्राज्य करने वाला जो रूलर होगा, शासक होगा, वो एक होगा। अब सोचो प्यारो, पता है पुराने नियम में बाबिल का बंदीवास क्यों आया? आपको पता हो तो बाबिल का बंदीवास आए उससे पहले बहुत सारे समय तक अलग अलग भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने अपनी न्याय की घोषणा की कि सुधर जाओ, बच जाओ, बच निकलो, आने वाला कोप है, कुछ जाति, कुछ बड़ी लोग, बड़ी प्रजा आ रही है, वो कब्जा कर लेगी, ऐसा होगा, वे होगा, पर लोग नहीं माने, इनओबीडियंट रहे, अविश्वास किया उन्होंने परमेश्वर की चेतावनियों का, जो भविष्य वक्ताओं के द्वारा बताई गई, उन्होंने अविश्वास किया, अनबिलीफ, इनओबीडियंट चाइल्ड, ओबीडियंट बने रहे, मतलब उन्होंने आज्ञाएं नहीं मानी, और क्या हुआ, वो लोग बाबिल के बंदीवास पे गए, और वो बंदीवास कितने साल का रहा, 70 साल का, मतलब 70 ईयर्स का, और उसके बाद में प्रभु ने छोड़ा है, प्रभु ने वहां पर अपने अनुग्रह जारी रखा, दानियल, इजेकियल, और नहीं ऐसे लोगों को प्रभु ने खड़ा किया, बहुत सारे दूसरे भी लोग खड़े हुए उस समय में, पर मूल बात कि अनाज्ञाकारिता की वजह से लोग इसमें गए। यह कुछ ऐसा ही है कि झूठी कलीसिया, जो लोग झूठे दावे करते हैं, नहीं हो सकता है ऐसे लोगों को इसमें जाने का वक्त आ जाए, ये वो समय होगा, और उन लोगों का उपयोग बड़ी मात्रा में ख्रिस्त विरोधी उस समय में कर सकता है। हमेशा ऐसी यूनिटी जिसमें परमेश्वर नहीं है, जहां परमेश्वर को स्थान नहीं है, जिनकी जिनके मनों में अपने आप को ऊंचा करने की बात है, इन बेबीलोन के समान, उन लोगों के समान नहीं, और उस हिसाब से वो यूनिटी बना रहे हैं,
ऐसी यूनिटी नहीं, जैसे इस यहां पर तोड़ा गया ऐसी यूनिटी को प्रभु तोड़ देगा प्यारों। बेबीलोन के लिए दूसरी बात हम समझने का प्रयास करेंगे, यह एक शैतानिक सिस्टम है प्यारों, नहीं एक एक करप्ट भ्रष्ट पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक आर्थिक और धार्मिक सिस्टम है, प्रणाली है, और ये परमेश्वर के विरुद्ध में उस समय में उस विपत्ति काल के समय में खड़ी होगी, ये वो बात है। नहीं हम ये पढ़ते तो सीधा ही सीधा बेबीलोन देश की बात नहीं कर सकते, पर ये बेबीलोन मतलब एक एक सिस्टम है जो उस समय में खड़ी होगी ख्रिस्त विरोधी के द्वारा, जिसमें जिस पर राजनीतिक भ्रष्टता होगी, जिसमें आर्थिक भ्रष्टता होगी और धार्मिक भ्रष्टता होगी, और आर्थिक राजनीतिक और धार्मिक इन सब के ऊपर यह रूलर यह शासक ख्रिस्त विरोधी वहां पर शासक बन जाएगा। नहीं बिल्कुल एक गॉडलेस सोसाइटी मान लो, और हमने पढ़ा ना इसमें कि बहुत सारे जातियों को मदिरा पिलाई गई है, मतलब बहुत सारे राष्ट्र इसके साथ जुड़ेंगे, यह कहने का मतलब है यहाँ पर कि बहुत सारे राष्ट्र, ये 14 अध्याय में जो लिखा है कि जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई, मतलब वो सारे राष्ट्र जो इसके साथ एंटी क्राइस्ट के साथ जुड़ जाएंगे उन सब पर परमेश्वर का क्रोध और कोप आने वाला है। यह जो सिस्टम है पूरे मतलब मूर्ति पूजा जादू विद्या और जादू टोना जातीय अनैतिकता यह पूरा पूरी बातों से पूरे गलत बातों से ये खदबदती सिस्टम होगी पूरी एंटी क्राइस्ट की प्यारों। और आपको पता हो तो एंटी क्राइस्ट ने क्या किया, लोगों के दाहिने हाथ पर और कपाल पर क्या करने की बात की, 666 मतलब उसका नाम उसकी उसका अंक छापने की बात। नहीं परमेश्वर अपने लोगों पर अपना नाम छापता है, लिखा है कि मैं नाम लेकर बुलाता हूं, पर ये उनको अंकों से बुलाएगा। आपको अगर ये सिस्टम पता हो तो नबूखादनेस्सर राजा के समय में बेबीलोन बहुत बड़ी मात्रा में फूला फला था, वर्ल्ड जो बोला जाए कि नहीं ये एक दुनिया का बड़ा सम्राट हो गया था नबूखादनेस्सर, और बोले विश्व साम्राज्य ये व्यक्ति बन गया था, बहुत ही बड़ा साम्राज्य हो गया था। अब उस समय अगर आप देखो तो यही स्पिरिट वहां पर काम कर रहा था कि दानियल के शाद्रक मेशक अबेदनगो के नाम अलग थे, नहीं पर इसने उनके नाम बदल दिए। एस्तर का नाम तो बाद में पड़ा, उसका नाम हदासेर था, नहीं तो उसका नाम एस्तर लगा दिया गया। ये वो समय था, बैबिल के समय की बात थी, क्योंकि ये वो ही बात है प्यारो, वो आत्मा यही करती है कि जहां पर परमेश्वर का नाम आता है, दानियल शाद्रक मेशक अबेदनगो उनके नाम में दानियल एल मतलब परमेश्वर, नहीं मिशाएल दूसरा नाम था मिशाएल, तो मिशाएल वो फिर अजारिया याह परमेश्वर का नाम उन्होंने काट दिया नबूखादनेस्सर ने, नहीं उसकी जगह पर उन्होंने शाद्रक मेशक अबेदनगो। अगर आज भी आप यहूदी लोगों के पास जाकर दानियल की बात करोगे शाद्रक मेशक अबेदनगो तो बोलेंगे ये नाम मत बोलो, उनके ओरिजिनल नाम ये है, उनके ओरिजिनल नाम ये है, ये बोलो। प्यारो ये सैतानिक सिस्टम बेबीलोन सिस्टम ऐसी है कि जो उनके नाम बदल देती है, उनको वो नाम नहीं रखने देगी, वो उनकी नाम रखवाएगा, वो जो चाहेगा वो ही करवाएगा। जैसे नबूखादनेस्सर राजा ने जो बेबीलोन का राजा था उसने जो बातें करवाई वैसे ही यहाँ पर वही बातें यह एंटी क्राइस्ट करवाएगा प्यारो। और जैसे नबूखादनेस्सर राजा ने आइडल अपनी बनाई और लोगों को कहा कि इसको स्वीकारो और इसकी पूजा करो और लोगों ने किया, यहाँ पर भी ख्रिस्त विरोधी वो ही करने जा रहा है, मतलब ये स्पिरिट ऑफ बेबीलोन ये बात है, पूरा बेबीलोन सिस्टम करप्ट सिस्टम, ये शैतान का पूरा एम्पायर साम्राज्य है प्यारो। हो सकता है उस समय में नो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, लोग उनने उनके बच्चों को जो भी चाहे वो सिखा नहीं सकेंगे, उनको वो ही सिखाना पड़ेगा जो एंटी क्राइस्ट तय करेगा, हर एक धर्मालयों में वही सिखाया जाएगा जो एंटी क्राइस्ट तय करेगा, नहीं मतलब पूरे वर्ल्ड में वन रिलीजन हो, नहीं
एक ही बात, वन करेंसी, और ये ही बात होगी प्यारो, तो यह बेबीलोन है, समझ में आ गया होगा आपको, यह बेबीलोन है ना। तो यह सिस्टम का अंत होगा, इसके ऊपर प्रभु ने अपना न्याय जाहिर किया है, जाहिर किया, इसकी घोषणा की है। तीसरी घोषणा थी एंटी क्राइस्ट की पूजा करने वालों के लिए चेतावनी, नौवीं आयत देखिए, चौदहवां अध्याय नौवीं आयत। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, यह कहता है बड़े शब्द से, प्रोक्लेमेशन, घोषणा है ना, कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी उसकी छाप ले, यह स्वर्गदूत यहां पर घोषणा करता हुआ दिखाई दे रहा है, छाप ले। अब ये छाप लेने की जो बात है उनके विरुद्ध में या चेतावनी जारी की, पर ये छाप लेना क्या है पता है? उस समय में कोई व्यक्ति छाप लेगा, हम लास्ट सेशन में सीख गए पर फिर भी एक सेंटेंस में ये बात बताना चाहूंगा, यह क्या है पता है? द पर्सन गिव्स हिज फर्स्ट लॉयल्टी, जो व्यक्ति अपनी निष्ठा और अपना संबंध उस राज्य के साथ बांधेगा, उस समुदाय के साथ बांधेगा और उस लीडर के साथ बांधने के लिए अपने आप को आगे रखेगा। छाप लेने का मतलब यह है कि अपने आप को ख्रिस्त विरोधी के समुदाय के साथ अपने आप का संबंध जारी करना, अपने आप को जोड़ना। जैसे हमने अनुग्रह का सुसमाचार सुना और हमने विश्वास किया है ना, विश्वास किया तब हम पर छाप लग गई, विश्वास किया और मन फिराया, हम पर छाप पवित्र आत्मा की लगी, नहीं तो हम प्रभु के हो गए, हम परमेश्वर के हो गए। वैसे ही यहां पर इसने वही सिस्टम अपनाया हुआ है कि जो लोग छाप लेंगे वो उसके हो जाएंगे, उसके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, उसके साथ लॉयल हो जाएंगे, उसकी सोसाइटी में शामिल हो जाएंगे। तो छाप लेने का बात यह बताता है, और छाप लेना के छाप दिलवाने की जो एंटी क्राइस्ट ने प्रारंभ किया, यह इसके पीछे इनका बहुत बड़ा मकसद है कि अपने आप को समर्पण करना। छाप लेना मतलब अपने आप को समर्पण करना उस झूठी सिस्टम के सामने, उस झूठी सिस्टम को स्वीकार करने के लिए अपने आप का समर्पण लेना, यह छाप लेना के बराबर है। तो यह वो सिस्टम है बेबीलोन की सिस्टम, जिसके आगे लोगों ने घुटने टेक दिए, जिनको लोगों ने अपनाया उन छाप लेकर प्यारो। अब जो छाप लेंगे उनके विरुद्ध, अब यहां पर देखो यह घोषणा हो रही है, स्वर्गदूत आ रहा है, क्यों? क्योंकि उस समय एंटी क्राइस्ट यह घोषणा कर चुका होगा कि पूरे विश्व में, हमने 13वें अध्याय में सीख चुके थे कि हर एक को कुछ भी लेना या बेचना है, कुछ भी खरीदना है, कुछ भी करना है, तो उसको छाप लेनी पड़ेगी, एक सिस्टम में आना ही पड़ेगा, उसके बगैर कोई साथ में नहीं चल सकेगा उसके साथ में, अदरवाइज उनको जो छाप नहीं लगे उनको मार डाला जाएगा। तो यह घोषणा, ये अनाउंसमेंट वर्ल्ड में हो चुकी होगी उस क्लेश काल के समय में। अब वो क्लेश काल में यह घोषणा हो चुकी थी 666 लेने की, उसकी छाप लेने की, तभी परमेश्वर ने उस समय में परमेश्वर ने यह घोषणा की कि अगर कोई स्वर अगर कोई ये छाप लेता है तो क्या होगा, दसवीं आयत पढ़े, तो वह परमेश्वर का प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। नहीं, पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन न मिलेगा, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। प्यारो ये बात यहां पर लिखी है कि न्याय ऐसे छाप लेने वाले लोगों के ऊपर न्याय उस महाक्लेश काल के 3.5 साल के समय में तो आएगा ही आएगा, पर उनकी मौत के बाद जब न्याय काल होगा तब वो अंतिम लास्ट टू लास्ट पुनरुत्थान में उठेंगे, और वो भी अग्नि और गंधक की झील में डाल देने के लिए। इसलिए लिखा है कि उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। तो मतलब ये न्याय काल उनके विरुद्ध में होगा जो छाप लेंगे। प्यारो मतलब एक एक काम जो परमेश्वर के विरुद्ध में है प्रभु नहीं चाहता है कि वो हो, और इसलिए परमेश्वर वो हो उससे पहले ही कोई ना ले, इसलिए प्रभु अपने वचन को भेज देता है। प्यारो हो सकता है उस समय बहुत सारे बाइबल को जला दिया जाए,
पर प्रभु अपने स्वर्गदूतों के द्वारा यहाँ पर वो घोषणा जारी कर रहा है प्यारो, नहीं ये घोषणा जारी की है कि अगर कोई लेगा तो उसकी हालत ये होगी। तो प्यारो ये बात समझने वाली है कि आज भी जब हम विश्वासी जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर के एक एक वचनों की और गौर कीजिए प्यारो, कुछ ही वचनों को ध्यान में ले और कुछ को छोड़ दे ऐसा ना करे प्यारो, प्रभु के वचनों की और प्रति गंभीर बने प्यारो। अगर उसने बोला है माफी देना है तो माफी दे, अगर उसने बोला है कि ये करना है तो वो करे, फिर हम ये करेंगे और वो नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, कुछ करे और आधा ना करे ऐसा नहीं, पूरा समर्पण प्रभु को करे प्यारो, नहीं आधा अधूरा समर्पण ना करे प्यारो, हम संपूर्ण पर समर्पण मतलब संपूर्ण प्रेम, पूरा प्रेम प्रभु ने किया है और वो हमसे वही अपेक्षा कर रहा है कि हम भी पूरा प्रेम करें प्यारो, उसने जो बोला है वो हमें करना चाहिए, उन आदेशों का पालन करना चाहिए। चौथी घोषणा जो थी हम 5-10 मिनट में इसको पूरा करेंगे, चौथी घोषणा है वो है धन्य शहीदों का प्रतिफल, उनके बारे में घोषणा। देखिये 12वीं आयत पढ़ेंगे, 14वां अध्याय, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। देखिए पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास करना और उसकी आज्ञा को मानना, ये दोनों को अलग नहीं कर सकते है ना, ये दोनों एक साथ जाते हैं, विश्वास करते हो तो उसका मानेंगे, विश्वास नहीं करते तो क्यों मानेंगे भाई, है ना, हम कोई सिस्टम पर विश्वास नहीं करते तो भाई हम उस सिस्टम को नहीं अपनाएंगे भाई, नहीं करना है, हमें कुछ खरीदना है तो पहले उस पर विश्वास हमें आएगा, भरोसा बैठेगा, तब हम कुछ खरीदेंगे ना, तब हम उसको लेंगे, तब उसका मैनुअल पढ़ेंगे और उसके आदेश अनुसार हम उसका ऑपरेशन करेंगे, पर अगर हमें भरोसा ही नहीं बैठता है तो उसको लाने की बात ही नहीं आती। वैसे ही परमेश्वर पर विश्वास करना इसका मतलब है उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसके आदेशों के अनुसार जीवन जीना, उसकी जीवन शैली को अपनाना, ना कि अपनी और लोगों की लाइफस्टाइल अपना लेना, नहीं हमें उसकी जीवन शैली को अपनाना है, वो चाहता है वैसी लाइफस्टाइल प्रभु हमें देना चाहता है जैसी यीशु की थी। तो यहां पर लिखा है 13वीं आयत में, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, चौथी घोषणा, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। यहाँ पर आप स्लाइड पे देख सकते हो जैसे काल्पनिक चित्र बताया गया है कि यूहन्ना बैठा है और उसको जो जो बातें प्रभु दिखा रहा है और जो जो बातें वो सुन रहा है, वहां पर प्रभु बोल रहे कि लिख, तू ये लिख दे, कहीं पर जो इम्पोर्ट कुछ बातें प्रभु ने बोली मत लिख इसको, यहाँ पर प्रभु बोल रहे लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। अब ये शब्द पर गौर करेंगे, अब से धन्य है जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं, जो लोग प्रभु में अब मरते हैं, अब से धन्य है। क्यों भाई अब से, इसका मतलब है कि ऐसे लोग जिनको पता है कि 3.5 साल के बाद जो छाप लेने की बात है, पशु की बिष्ट की छाप, वो अब लेनी ही पड़ेगी, उसके बगैर कोई चारा नहीं है, पर फिर भी प्रभु के प्रति विश्वास योग्यता बताएंगे, विश्वास योग्य ठहरेंगे, वफादार ठहरेंगे, और वो लोग डिनाई कर देंगे, ना बोल देंगे हम नहीं लेंगे, नहीं हम छाप नहीं लेंगे कुछ भी हो जाए। और लिखा है इसलिए ऐसे लोग अब से धन्य है कि जो छाप नहीं ले रहे, लिखा है अनिवार्य है, फिर भी वो उसके बावजूद नहीं विश्वास योग्य प्रभु को बने रहते हैं। यहाँ पर एक डिफरेंस दिखा है आपको, पता हो तो, छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन न मिलेगा, पर यहां पर देखो क्या लिखा है, वे अब से धन्य है, आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। जो वो छाप लेंगे उनको रात दिन चैन न मिलेगा, और यहां लिखा है जो छाप नहीं लेंगे वो लोग विश्राम पाएंगे। नाउ यू डिसाइड, जो लोग ट्रिब्यूलेशन में जाएंगे उनके आगे बहुत भारी कसौटी आने वाली है, बहुत भारी कसौटी आ सकती है उनके लिए। लिखा है वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ जाते हैं। नहीं, प्रभु में जो लोग
उस समय भी प्रभु के सुसमाचार को फैलाएंगे, वफादार बने रहेंगे, छाप नहीं लेंगे। ये उनकी विश्वास योग्यता है, वफादारी है, ये उनके साथ जाएगी प्यारो। और ये लोग वो भी है नहीं, जिनके बारे में हमने उस वेदी के नीचे जब छठी मोहर खोली गई तब वहां पर उन वेदी के नीचे उन शहीदों के आत्मा को वहां पाया कि जिन्होंने जो ये पुकार रहे थे कि कितना और लहू बहेगा नहीं, हमारी रक्तपात का न्याय तू कब लेगा, ये उनकी पुकार थी। तो वो यहाँ पर होने वाला है। अब देखिए पांचवी घोषणा, मेरे ख्याल से 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लेकर इसको हम आगे पूरा करना चाहेंगे ताकि बाद में हम दूसरे चैप्टर में प्रवेश कर सकें। तो थोड़ा समय हम एक्स्ट्रा लेंगे पर इसको सीखने का प्रयास करेंगे। पांचवी जो घोषणा थी ये परमेश्वर के न्याय के बारे में थी और इसको हम गौर करेंगे, 14वीं कलम। और मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। अब हंसुआ क्या है नहीं, आपको पता हो तो खेत मजदूरों के हाथ में कुछ होता है, जब वो कटनी आती है तो उनके हाथ में एक औजार होता है, उस औजार से वो कटनी काटते हैं नहीं, ये वो औजार की बात है यहाँ पर। हंसुआ मतलब वो औजार जो कटनी काटते हैं, फसल को काटते हैं, वो फसल को काटने का औजार। तो यहाँ पर क्या है, कुछ हो रहा है यहाँ पर, देखिए उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। अब ये जो वर्णन है मनुष्य के पुत्र सरीखा, इसका मतलब है मनुष्य पुत्र ही, मतलब मनुष्य का पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह, ये यीशु मसीह खुद है नहीं। और बादल पर मतलब ये बात भी बताती है, और सोने का मुकुट नहीं, ये बात भी बताती है कि ये यीशु मसीह है। फिर 15वीं आयत पढ़े, देखिए, फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे, देखिए कहां से निकला है, ये मंदिर में से निकला है, उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, ये पांचवा प्रोक्लेमेशन, मतलब ये पांचवा प्रोक्लेमेशन है, पांचवी घोषणा है, क्या, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। जो बादल पर बैठा था उसने क्या किया, अपना हंसुआ लगाकर लवनी की। अब ये लवनी क्या है, लवनी का मतलब फसल काटना, फसल काटना। यहाँ पर फसल इंग्लिश जो शब्द है हार्वेस्ट, यहाँ पर आप उस औजार के बारे में आप देख सकते हो, ये पका हुआ खेत है और वो हंसुआ मतलब एक ऐसा औजार जिससे ये कटनी काटी जाती है, उसका वर्णन वहां पर बताया है। देखिए अब ये लवनी मतलब कटनी, मतलब हार्वेस्ट, इसका मतलब होता है फसल, हार्वेस्ट। अब ये जो हार्वेस्ट है ये कौन सी है, तीन प्रकार की हार्वेस्ट बाइबल में बताई गई है। अब हार्वेस्ट मतलब कटनी, फसल को समझना है तो हम उसको बाइबल में फसल का शब्द जहां पर है उसी तरीके से उसको समझने का प्रयास करेंगे। यीशु ने भी फसल का उपयोग किया था नहीं, फसल शब्द का उपयोग किया था, और ये उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। मेरे ख्याल से समय इसमें ज्यादा जाएगा क्योंकि इसमें यहूदियों के साथ पर्व की कुछ हिंट आती है और तीन अलग अलग कटनी आती है उसके बारे में वर्णन है, वो हम
हो सके तो कल हम बैठेंगे, जरूर पक्का बैठेंगे और कल हम इसको देखेंगे, पर यहाँ पर आज हम ये सेशन यहाँ पर हम पूरा करते हैं और प्रार्थना में जाते हैं। पर यहाँ तक कुछ बातें हैं जो हमें समझने वाली बातें थी, आप फिर से देख लीजिए कि नहीं, सियोन पहाड़ क्या है वो हमने सीख लिया आज। पृथ्वी का भी पहाड़ है और स्वर्गीय पहाड़ भी है, और वहां पर मेमना है और मेमने के साथ ये लोग, और मेघारोहण पाए मतलब रैप्चर पाए संत, सभी संत यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले यहाँ पर पाए गए हैं, यहाँ पर थे जब प्रभु का सेकंड कमिंग 7 साल के अंत में होगा, तब वो यहाँ पर पाए गए हैं और उससे पहले वो यहाँ पर पाए गए, उनके बारे में था। और 144,000 जो खड़े थे वो भी नहीं, वो कौन है क्या है वो हमने बहुत अच्छे से सीख लिया उनके बारे में। फिर हमने जो घोषणाओं में देखा कि भाई पहली घोषणा तो सनातन सुसमाचार, उसके बारे में हमने सीखा। सनातन सुसमाचार क्या है वो हमने सीखा कि यह राज्य का सुसमाचार है, अनुग्रह का सुसमाचार नहीं, राज्य का सुसमाचार है ना, जो यूहन्ना बपतिस्मे ने बताया कि पश्चाताप करो, मन फिराओ नहीं। और प्रभु यीशु ने भी बोला स्वर्ग का राज्य, राज्य निकट आया है, मन फिराओ, राज्य का सुसमाचार। और यीशु ने अपने चेलों को सौंपा वो था अनुग्रह का सुसमाचार। दुष्ट लोगों पर यह प्रभु बड़ी घोषणा करने जा रहे, न्याय की, दंड की घोषणा, पर उससे पहले प्रभु यह घोषणा करते हैं, उनको मौका देते हैं कि वे अभी भी विश्वास कर सकते हैं, और इसलिए जो उस समय भी विश्वास करेंगे उनके लिए मौका होगा। हमने दूसरी जो घोषणा थी बेबीलोन के पतन के बारे में थी, वो हमने सीखा कि बेबीलोन कोई पर्टिकुलर कोई देश, इराक देश या तो बेबीलोन जो है उसके बारे में बात नहीं कर रहे, पर ये वो बात है, ये एक एंटी क्राइस्ट की पूरी पूरा साम्राज्य की बात है, एंटी क्राइस्ट ने जो साम्राज्य फैलाया है उसके बारे में यह बात है। क्योंकि जब से हम शुरू से देखते हैं तो बेबीलोन एक गड़बड़ी का साम्राज्य बना, गड़बड़ी का देश बना, और क्यों गड़बड़ी थी, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध की बातें उसमें पाई गई, और यही बातें यहाँ पर हम देख पाते हैं। पहला विद्रोही भी वो था जिसने परमेश्वर की योजना को नकारा और अपनी योजना के अनुसार वो ऊपर तक प्रभु के पास जाने का मतलब स्वर्ग तक पहुंचने का प्रयास इसने किया, मतलब विदाउट गॉड परमेश्वर के बगैर स्वर्ग तक कोई नहीं पहुंच सकता है, वो प्रयास इसका था नहीं। और वही बात यहाँ पर झूठी धार्मिकता बताएगा कि एंटीक्राइस्ट बोलेगा कि तुम मुझे स्वीकारोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे, यू आस्क एनीथिंग, जो कुछ भी आपको चाहिए वो मांगो आपको मिल जाएगा, जैसे यीशु ने बात बोली नहीं, वैसे ही ये बोलेगा आपको जो चाहिए वो आपके हाथ में होगा, पर आपको मेरी छाप लेनी पड़ेगी, मेरे साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, मेरी सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, है ना। तो ये बात है कि बेबीलोन ये बात है नहीं? और उसका पतन का प्रोक्लेमेशन यहाँ पर हुआ है ये 14वें अध्याय में, क्योंकि 15वें अध्याय में ये सब घटनाएं होने वाली है, 15वें, 16वें, 17वें अध्याय में ये सब घटनाएं होने वाली है, पर ये हो इससे पहले प्रभु न्याय जाहिर करता है, प्रोक्लेम करता है ताकि वो अपना मन फिरा सके। उसके बाद में हमने बहुत कुछ उसके बाद में और भी बातें साबित ही हमने पाई। और भी बहुत सारे प्रूफ हमने देखे बेबीलोन के बारे में, और दूसरी घोषणा थी एंटीक्राइस्ट की पूजा करने वालों के लिए छाप लेना क्या है और छाप लेने वालों का क्या होगा, जो छाप नहीं लेंगे उनका क्या होगा, उनको उनके लिए भी यह प्रोक्लेमेशन एक नहीं एक एक हिम्मत बांधने वाला एक एनकरेजमेंट होगा उनके लिए। तो यहाँ तक हमने सीखा है। कल हम परमेश्वर का हसिया उसके बारे में, और आखिरी दो बात है, आखिरी दो अनाउंसमेंट है वो हम सीखेंगे, कल हम वापस इकट्ठे होंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए हम तब तक प्रार्थना करते परमेश्वर के पास जाते।
और जो सीखा है उसके लिए प्रभु का अनुग्रह मांगते हैं कि प्रभु इन सब बातों को अच्छी तरीके से हमारे हृदय में हम रख ले वे प्रभु, हम इसको गवा न दे, क्योंकि प्यारो शैतान की यह सिस्टम है कि जो कुछ भी बोया जाता है अगर उस पर अगर वो अच्छी जमीन पर नहीं पड़ता है तो उसको उसको चोरी किया जाएगा, उसको चोर लिया जाएगा, वो चोरी कर लेता है। प्यारो आपके हृदय में यह सब बातें, यह परमेश्वर की सिखाई हुई बातें शैतान चाहता है कि आपके हृदय में न बसने पाए, प्रभु चाहता है कि बसने पाए, पर इसके लिए आपको प्रयास करने हैं, हमें प्रयास करने हैं। आप अनुग्रह मांगे कि प्रभु ये जो भी सीख रहे हम अच्छे से हमारे हृदय में इसको ग्रहण कर ले, सीख ले, समझ ले परमेश्वर, ताकि हम एक कलीसिया होने के नाते, एक कन्या होने के नाते अपने आप को तैयार कर सके तेरे आगमन के लिए। तब जब तू लेने आए तब हम तैयार पाए जाए प्रभु, हम तेरे वचनों में खोए हुए पाए जाए, हम तेरी बातों में खोए हुए पाए जाए, हम तेरे विचारों में खोए हुए पाए जाए। हाँ प्रभु हम संसार में खोए हुए न पाए जाए, पर प्रभु तेरे वचनों में, तेरी बातों में और तेरे कान में खोए हुए पाए जाए प्रभु, हम ये अनुग्रह चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु प्रभु आप हम पर अनुग्रह कीजिए पिता, कि प्रभु कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन किसी के भी मन में न रहे परमेश्वर, किसी भी बात को लेकर, न रैप्चर को लेकर, न ट्रिब्यूलेशन के न्याय और इन क्लेशों के विषय कोई भी किस्म का कंफ्यूजन न रहने पाए परमेश्वर। हर एक झूठ की आत्मा को और झूठ फैलाने वाली आत्मा को, झूठी शिक्षाओं की आत्मा को हम यीशु के नाम में तोड़ते हैं, और प्रभु यीशु के नाम में प्रभु की सच्ची बातों को प्रभु यीशु के नाम में हम स्थापित करते हैं। जो भी सीखा है उस पर ध्यान करने के लिए हमें और भी समय निकालने का प्रभु अनुग्रह दे पिता, कि हम समय निकाल कर इसको और भी समझ सके, जो सीखा है उसके लिए हमें गौर करने का अनुग्रह दे पिता, हमें आपकी एक एक आज्ञाओं को ध्यान में लेने के लिए मदद करे पिता, आपकी कुछ बातों को माने और कुछ बातों को छोड़ दे ऐसे हम ना बने पिता। प्रभु हम कुछ बातें करके हम अच्छे साबित नहीं कर सकते प्रभु, हम तो तेरी आज्ञा इसलिए मानते हैं कि हम तुझको प्रेम करते हैं, तुझको चाहते हैं। हाँ प्रभु हम दूसरों को दिखाने के लिए आज्ञा नहीं मान रहे, पर प्रभु तुझे प्रेम बताने के लिए, तुझ पर प्रेम जताने के लिए हमारी आपकी आज्ञाओं को मान रहे पिता, और हम प्रार्थना करते पिता आपकी आज्ञाओं पर चलने वाले बनाइए हमें। कहीं भी हमारा समर्पण अधूरा है प्लीज प्लीज प्रभु हम पर अनुग्रह कीजिए कि हम अधूरे समर्पण में न पाए जाए पिता। प्रभु आपके आपकी दया आप एवं अनुग्रह हम सभी पर रहने पाए, बना रहे प्रभु। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते, धन्यवाद करते आपने यह मौका दिया, यीशु के नाम में प्रार्थना करते, इसे कबूल करें, आमेन।